और अब बात सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रमों की करेंगे। दोपहर 12:30 बजे पाली के जॉर्डन में ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 1:45 पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारियों की बैठक लेंगे। दोपहर 2:45 पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। सीएम भजनलाल शर्मा शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा आज पाली दौरे पर हैं। सीएम बनने के बाद ये सीएम भजनलाल का पहला पाली दौरा है और पाली में आज ओम आकार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे सूबे के मुखिया। कई और स्थानीय कार्यक्रमों में भी आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे राजधानी जयपुर सीएम के वापस लौटने का कार्यक्रम है। आज पाली दौरे पर सूबे के मुखिया कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। ओम आकार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे। अपने आप में अनूठा ये मंदिर और अपने ओम आकार की वजह से एक अलग पहचान इस मंदिर की। इसके अलावा आपको बता दें मंदिर में 2000 स्तंभ जिनके ऊपर मंदिर बनाया गया है। एक हिस्सा भूमि के नीचे, एक हिस्सा तीन हिस्से भूमि के ऊपर। 95 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। 135 फीट ऊंचा है ये ओम आकार वाला मंदिर का शिखर। 250 एकड़ क्षेत्र में ओम मंदिर फैला हुआ है। ओम मंदिर में 1008 शिव प्रतिमाएं हैं। पाली के ओम आकार मंदिर की क्या खासियत आप देखिए। एक हिस्सा भूगर्भ में बना हुआ है और तीन हिस्से भूमि के ऊपर बने हुए हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह आज सूबे के मुखिया पाली दौरे पर हैं और कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। अभी हम फिलहाल उस मंदिर की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। ओम आकार का ये मंदिर बना है, अपने आप में पहला इस तरीके का मंदिर, और आज मंदिर की प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम जाएंगे। और क्या जानकारी? देखिए नंदन, बिल्कुल आपने कहा कि मंदिर मंदिर भव्य और अनोखा है। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो ओम आकार में इतना विराट मंदिर बनाया गया है। पाली में ये मंदिर बना है। ओम आकार के बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शिरकत करेंगे। अभी सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से रवाना हो गए, सबसे पहले जयपुर आएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका सबसे पहले भव्य स्वागत किया जाएगा। सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और तमाम नेता भी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। वो सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करेंगे। नंदी, वजह चूंकि जो लंबे समय से 30 साल से लंबित जो परियोजना थी पानी की, यमुना जल बंटवारे को लेकर, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 30 साल से जो विवाद चल रहा था उसको सुलझा दिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात हम कहें नंदनी, इस छोटे से कार्यकाल में भजनलाल सरकार ने दो बड़े अहम फैसले लिए जो वर्षों से लंबित थे। ईआरसीपी के बाद बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा और राजस्थान के बीच जल विवाद को लेकर, यमुना के जल बंटवारे को लेकर। उसी कड़ी में आज तमाम तीनों जिलों के कार्यकर्ता हैं, वो सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करेंगे। इसके बाद भजनलाल शर्मा पाली के लिए रवाना होंगे। पाली की जहां तक बात है तो पाली में पहल कार्यकर्ता ओम आकार के बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद जो पाली जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी, जिले के विकास को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मीटिंग के बाद स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ सीएम भजनलाल शर्मा का संवाद रहेगा। इस दौरान आम जन से भी उनकी मुलाकात करने का कार्यक्रम है और करीब 5:30 बजे जल्दियों का जयपुर वापस आने का कार्यक्रम है। बिल्कुल लाल सिंह, आज जिस ओम आकार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा जा रहे हैं, जरा उस मंदिर की क्या कुछ खास बातें हैं वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओम आकार के इस मंदिर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? वैसे तो अपने आप में बेहद खास पल है कि भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर विशाल निर्मित हुआ है, लेकिन और क्या खास बातें? देखिए मम्मी, सनातन में ओम जो है सबसे विराट माना गया है, यानी कि हम ओम की ध्वनि के आधार पर ही तय करते हैं कि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। साक्षात प्रभु की ध्वनि का एक प्रतीक माना जाता है ओम को, और ओम जो हम लिखते हैं ओम आकार, उस आकार को धरती पर एक मंदिर के भव्य स्वरूप में उड़ेला गया है जिसकी नक्काशी अपने आप में बेहतरीन है, बनावट अपने आप में बेहतरीन है, भव्य मंदिर है
और दुनिया का एकमात्र अनोखा ऐसा मंदिर है जो इतने विराट स्वरूप में ओम आकार के रूप में धरती पर इसको उकेरा गया है, ढाला गया है। ऐसे में इस लिहाज से कई मायनों में इसकी बनावट को ले लीजिए नंदिनी, इसके आकार को ले लीजिए और खासकर ओम आकार को ले लीजिए, ये अपने आप में इस मंदिर को अन्य मंदिरों से खास बनाते हैं। और यही वजह है कि लंबे समय से अंतराल से ये मंदिर तैयार हो रहा था और दुनिया भर की नजर हालांकि उस समय टिकी हुई थी, लेकिन आज जिस भव्य स्वरूप में ये मंदिर प्रकट हुआ है, जिस भव्य स्वरूप में ये सामने आया है, वो निश्चित रूप से वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और सनातन की इस लहर में ये मंदिर अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज पाली दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री भगवान शिव को समर्पित और ओम आकार के अपने मंदिर में, इस अनूठे मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जब होने वाला है, तो सीएम आज इस कार्यक्रम में जाएंगे और इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। विश्व का पहला ओम मंदिर पाली में बनकर निर्मित हुआ है, पाली में ये मंदिर तैयार हो चुका है और आज सूबे के मुखिया इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे।